एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पिम्स अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 9 मौलूद की पैदाइश हुई थी और इस सिलसिले में अब अच्छी खबर ये आ रही है कि कोरोना से मुतासर 9 मौलूद 10 रोज के अंदर सेहतयाब हो गया है। आमना अली हमारे साथ मौजूद है। आमना, आगाह कीजिएगा पिम्स, जराए मजीद क्या बता रहे हैं बच्चों की सेहत के बारे में। बिल्कुल, पिम्स अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 9 मौलूद की मुताबिक अच्छी खबर है कि कोरोना से मुतासर 9 मौलूद बच्चा जो है सेहतयाब हो गया है। जराए के मुताबिक बच्चा 1 हफ्ते से जायद अस्पताल में जेरे इलाज रहा। कोरोना से सेहतयाब 9 मौलूद बच्चे को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। जराए के मुताबिक 9 मौलूद की माँ कोरोना की मरीजा थी, जिनके बाइस में कोरोना वायरस जो है बच्चे में भी मुंतकिल हुआ। पिम्स अस्पताल के मुताबिक 9 मौलूद को चंद रोज तक ICU में रखा गया। कड़ी निगरानी के बाद बच्चा पूरी तरह से सेहतयाब होकर सेहतयाब हो चुका है। आमना, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। हमारे नुमाइंदे नईम असगर इस वक्त वहां पर मौजूद है। नईम, बताइएगा क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, जिस तरह मुल्क भर में कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, इसी तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना से बचाव के लिए इकदाम किए गए हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कुछ इलाके सील किए गए हैं जिनको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया गया है। हम इस वक्त PWD के ब्लॉक C में मौजूद हैं और आपको नज़र आ रहा होगा का भी सील है। इसकी जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद किया गया है और वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है ताकि लोग जो है वो यहाँ से निकल ना सके और कोई भी बाहर का यहाँ पर आ ना सके। लेकिन सूरत हाल ये है, जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो ये है कि लोग बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे लॉकडाउन के बावजूद। आप देख रहे होंगे कि इस सेक्टर में भी आमदोरफ्त जारी है, लोगों ने चोर रास्ते ढूँढे हुए हैं। इसके अलावा जो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं सिर्फ वो बंद किए गए हैं। इसके जो गलियां हैं, जो मुख्तलिफ गलियां हैं जो पिछले साइडों को खुलती हैं वो खुली हुई हैं और लोग जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो पुलिस कर रहे थे, पंजाब कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। 24 घंटे के दौरान 2698 केसेस रिपोर्ट हुए और 46 जान से गए। लाहौर की क्या सूरत हाल है जानेंगे बोलियों के नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद, गुज़िश्ता 24 घंटों के आदाद शुमार बताइएगा। जी हाँ, लाहौर के अंदर कोरोना की तीसरी लहर अब शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। लाहौर के 27 से ज्यादा इलाकों के अंदर स्मॉल लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। तमाम इन इलाकों के अंदर लॉकडाउन जो है वो तकरीबन बराए नाम सा दिखाई देता है। शहरी बड़े आराम से एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 800 पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हमारे से शहरी मुद्दे से बात करते हैं। सर जी, कोरोना के केसेज की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, आपने भी मास्क नहीं पहना, इसी क्या वजह? मास्क पहनने की कोई वजह नहीं, कोरोना तो है नहीं है तो फिर मास्क इसलिए पहने, ऐसे ही इन्होंने बस। तो ये जो लोग मर रहे हैं वो ऐसे ही मर रहे हैं? मर तो वैसे लोग नहीं मरते, मर तो वैसे भी रहे हैं, ये तो रोजाना ही मरते हैं, ये तो नहीं है भी मरना नहीं है, मरना सब ने है। ये इन्होंने कोरोना का बस पैसे लेने के लिए बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं। ये शहरी जो है वो अभी भी ठीक है। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने आगाह किया।